एशिया कप 2023 को लेकर क्रिकेट फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। सभी क्रिकेट फैंस को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। अब एशिया कप का शेड्यूल भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि एशिया कप के मुकाबले पाकिस्तान के लाहौर और श्रीलंका के कैंडी में खेले जाएंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि भारत के सारे मैच कोलंबो में होंगे, लेकिन वहां उस वक्त मानसून चल रहा होगा, जिसकी वजह से मैच करवा पाना बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद खबर आई कि दांबुला में मैच होंगे, लेकिन अब खबर में कैंडी का नाम चल पड़ा है। वैसे ये मैच कहां होंगे उसके लिए फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि 14 जुलाई को एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। इस टूर्नामेंट के 7 मैचों की मेजबानी श्रीलंका करेगा, जबकि पाकिस्तान में 4 मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका के डरबन में जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जका अशरफ के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया था। इससे पहले जका अशरफ ने कहा था कि जब एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है तो सारे मैच पाकिस्तान में होने चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2023 के अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने भी अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। हालांकि अब जय शाह और जका अशरफ की मुलाकात के बाद एशिया कप पर संकट से बादल हट गए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।